बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ सहित कई दिग्गज मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं। गिरफ्तार होते हैं लेकिन वो सिर्फ एक मोरा है, सारा विषय इस पर विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब रखेंगे। मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सचिवालय में वो पैसा मिला है वो कौन देकर गया, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को बचाया गया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ मोरे को उसमें सजा दी गई लेकिन इसमें गुनाहगार ये मंत्रालय किसके पास है, कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था, इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला एक बड़ा प्रदर्शन, उस सचिवालय तक हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे कि वो पैसा कहां से आया था, किसको जाने वाला था और कौन इस प्रकार का गोरखधंधा सरकारी ऑफिस में कर रहा है। इन सारों को लेकर 7 जून को इस पूरे विषय को लेकर पार्टी अपना आंदोलन करेगी। आगे इस विषय पर डॉक्टर साहब और राठौड़ साहब विस्तृत बात करेंगे। एक विषय और, इसी माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की वीर धरा पर होगी। 31 तारीख को अजमेर में और उस सभा के नाते वो प्रभारी के रूप में राजन सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। मैं अब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने बहुत सड़क से लेकर विधानसभा तक खूब संघर्ष, रीट के एग्जाम से लेकर अनेक विषयों को, रीट के भ्रष्टाचार से लेकर अनेक विषयों पर आपने आंदोलन किया है, मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आगे अपना विषय रखें। देखो, आम जन में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब कुछ दिन पहले बड़ा ओछा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं, राज्य और देश की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसा ओछा बयान देना मुख्यमंत्री जी की आदत में है। लेकिन दो प्रकरण में आपको, जिसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला है, मीडिया के भी मैं जानकारी में देना चाहूंगा। एक है, किसी ने शिकायत की एसीबी में और एसीबी ने दो प्रकरण दर्ज किए। एक है परिवाद संख्या 281/2019 विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी राजकाम जयपुर एवं अन्य में धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन प्रदान करने के संबंध में। इसमें जो ये अधिकारी कर्मचारी है, जो अभी जहां एक धन पकड़ा गया है, सोना जहां पर उगला है उस अलमेरा ने, उसमें उस परिवाद में शिकायत की गई राजनेट प्रोजेक्ट, मैन पावर हायरिंग प्रोजेक्ट, ई मित्र प्लस मशीन प्रोजेक्ट, ई पीडीएस प्रिसाइज प्रोजेक्ट,
भामाशाह टेक्नो हेल्प एवं भामाशाह प्रोजेक्ट, ई मित्र एटीएम परचेज प्रोजेक्ट, वीडियो वॉल प्रोजेक्ट, डिजी फेस्ट आईटी ऑब्लिक डे जांच फेयर प्रोजेक्ट, भामाशाह डिजिटल पेमेंट किट, टेंडर पत्रावलियों की अनियमितता व शर्तों के उल्लंघन, राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में आप प्रमुख शासन गृह सचिव को पत्र लिखा था कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 4/2/2021 को। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कहता है कि अधिनियम 2018 की धारा 17 के तहत लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों में लिए गए निश्चय के संबंधित अपराधों के अनुसंधान जांच के लिए सक्षम स्तर से पूर्वानुमोदन आवश्यक है, प्रति संलग्न है। अतः परिवाद की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि परिवाद में वर्णित तथ्यों की जांच अनुसंधान करने हेतु धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, उक्त परिवाद में और कर लेते हैं इस बीच